हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, नमस्कार, क्या है आप सभी के। वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग चैनल मिस्टर एंड मिसेस प्रशून। आज मैं बहुत लेट उठा हूँ और अभी बज चुके सुबह के 8। और बाकी ये देखिए, ये सुबह नहा धोवा के मस्त पूजा वूजा कर ली है। भाई ये तो सुबह ही उठ जाती है यार यहाँ पे, मैं तो थोड़ा लेट उठा हूँ। बाकी ये देखिए, पूजा सब कुछ कर ली एकदम लड्डू गोपाल का। तो आज का क्या प्लान है? आज का प्लान यही है, पीछे वो मेरा अलग से ब्लॉग बना रहे हैं बैठ के, जो उनको अभी इस हालत में दिखा नहीं सकते हैं। बाकी आज का प्लान यही है, जल्दी जल्दी खाना बनाना है। और जो नीचे वाला किचन है उसका रिनोवेशन का काम, मतलब रंग पेंट होके पूरा मस्त चमकने वाला है। तो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बन जाएगा और मिस्त्री आएगा जैसे कि उन्होंने बोला था। तो पता है कल तो हम लोग ब्लॉग भी नहीं डाल पाए, इतना सारा काम था, पूरा एंगेज हो गए थे, तो कुछ शूट भी नहीं कर पाए। स्कूल का भी काम शुरू होने वाला, थोड़ा पापा की तबीयत भी सही नहीं है, तो उनका डॉक्टर आ चुका है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली उनको टाइफाइड हो गया था। तो सबसे पहले टाइफाइड हो जाने के बाद डॉक्टर ने बोला कि 10 दिन तक जो टाइफाइड का जो दवा है वो चलेगा, उसके बाद आप मिल सकते हैं। तो उनको थोड़ा हार्ट इश्यूज है, तो वो चीज़ हमें डॉक्टर से मिलना है। तो कल हम लोग पटना निकलने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा सा बहुत सारा काम था जिसके कारण हम लोग पूरी तरह से बिजी हो गए थे। बट होप सब कुछ अच्छा हो। हमें भी थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि यार आप लोग वेट करते हो, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आने लगा कि भैया ब्लॉग क्यों नहीं आया। तो गाइस घर पे आने के बाद आप समझ सकते हो, कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी नहीं हो पाता है कि हम लोग ब्लॉग को डालें, तो इसीलिए। बट एनीवे आज से ब्लॉगिंग आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी, है ना बाबू। और अभी चलते, ये तो जा रही है ब्रेकफास्ट के लिए। तो दोस्तों नीचे आ गया हूँ किचन, और यहाँ सब अभी पेंट का काम चल रहा है, और थोड़ा बहुत सब पेंट वेंट छुट्टी उट्टी ये सब चीज़ काम वाम चल रहा है। तो आज भी वर्कर आएगा काम करने के लिए। बाकी ये देखिए निशा मस्त यहाँ पे बना रही है। क्या बना रही हो आज? आज बस खाना बनेगा। आज सूख माँ क्या बनता है? आम का आज पता नहीं क्या बना रही है। बाकी कटहल का सब्जी है, और मैं जा रहा हूँ स्कूल, क्योंकि जेरी को नहला दूँ। गाइस बहुत ज़्यादा गर्मी है उसकी, तो और हालत ख़राब हो जाएगी। तो जा रहा हूँ जेरी को नहलाने के लिए, जेरी को नहला दूँ। बाकी ये बना रही है कटहल और आलू का सब्जी। तो ये आलू दम जैसा कटहल आलू का जो सब्जी होता है मुझे बहुत पसंद है, चावल के साथ खाने में मज़ा आता है। आप लोग कितने लोग हैं जो इस तरह से खाते कटहल आलू का, कमेंट करके बताएंगे। और जो मज़ेदार सब्जी बनती है आलू कटहल की, पूरा सब काम अभी अस्त व्यस्त है। अभी ऊपर का सेलिंग पेंट होने वाला है, तो वर्कर भी आएंगे। तो सोच रहा हूँ कि उनको, अब जब वो रहते हैं तो थोड़ा बहुत उनको गाइड करना पड़ता है। तभी सबसे पहले मैं जेरी को नहला दूँ, नहला के आ जाओ। पहुँच चुका हूँ अभी स्कूल में, और बाकी देखिए इसको बांध रखा है। इतना शैतान है, हाय इतना शैतान है गाइस। जेरी जेरी ये देखिए गाइस। तो गाइस इसको नहलाने का मतलब है मेरी पूरी बॉडी का भीग जाना, इतना शैतान है ना ये। यहाँ पे बाल्टी में घोर के रेडी कर दिया हूँ। गुड गुड एकदम अच्छे बच्चे की तरह। चलो तो गाइस फाइनली जेरी नहा चुका है, और अब बहुत ज्यादा इसका बाल निकल रहा है क्योंकि गर्मी के कारण। और गाइस अब मैं भी जाऊंगा घर, क्योंकि अब नहाना होगा मुझे भी, क्योंकि देख लीजिए क्या हालत कर रखा है बॉस ने। इसको नहलाने का मतलब है कि दो आदमी तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइस खाना वगैरह तो बन गया, बाकी वो गए थे जेरी को नहलाने, तो वो भी आ चुके हैं बैठे हुए उधर, और मैं इधर खाना निकाल रही हूँ। पहले सलाद काट लेती हूँ क्योंकि पता ही है सलाद काटने का ड्यूटी उनका वहाँ पे था, बट अब सब काम मेरे ऊपर था तो सब फटाफट से कर लेती हूँ, खाना दे लेती हूँ। बाकी आज जो हम लोग का मतलब बागवानी है या फिर जो कहते हैं वो, उसमें से सारा आम का पेड़ में से आम, मतलब सारा आम क्या कहते हैं वो, मतलब वर्कर्स रखा गया है वो लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये लोग तो नहीं तोड़ सकते, तो उसमें ही जाना है इनको अभी, जल्दी जल्दी से खाना देते हैं। तो उसके बाद ब्लॉग की शुरुआत मैं अपने खूबसूरत से बगीचे में कर रहा हूँ,
और ये मेरे दादाजी का लगाया हुआ बगीचा है और बहुत ही खूबसूरत है। ये आम का बागवानी है पूरा, जो मेरे घर से अप्रॉक्सीमेट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 1.5 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के अराउंड ही होगा। और इस पर बहुत सारे आम मतलब लगे हुए, अभी आम का सीज़न है यू नो वेरी वेल, तो आज आम टूट रहा है, तो इसी के लिए मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ बगीचे में। और एक्चुअली इस बार थोड़ा आम भी कम हुआ है क्योंकि सभी जो मेरे घर में है वो बिजनेसमैन ही है, तो उनको टाइम उतना होता नहीं है कि वो केयर कर पाए। बहुत दिनों बाद आया, पहले यहाँ पे बहुत घना हुआ करता था बट अभी थोड़ा सा बहुत ये हो गया ये। और मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे घर के बगल के भैया हैं जो ये हमेशा ये इनका मेन यही काम रहता है। और ये हमारे प्यारे भैया हैं जिनका नाम है बिरजू, तो ये शुरू से हमारे मैंने खेतों का रखवाली है, ये भी चीज़ आम उम खरीदना उड़ीदना तो ये सब कुछ रहता है इनका। और ये चाची हैं जो पूरा देखभाल करती है यहाँ, मतलब जो आप बटोया समझ सकते हैं कि वो दिया जाता है वही केयर टेकर यहाँ पर देखभाल। तो दोस्तों ये देखिए, ये सारे आम देख लीजिए आप, और अभी तो पूरा टूट रहा है आम, ये देखिए तोड़ रहे भाई साहब ऊपर पूरे पेपर। एक्चुअली अभी इस बार थोड़ा कम भी है, बहुत कम है आम मुझे जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मैं 2 साल पहले आया था तो बहुत आम हुआ करता था यहाँ पर, मस्त घुमा करता था। और वो देखिए वो तो बल्ब जैसा लग रहा है ना गाइस, की बल्ब है, मैं उस तरह से आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मज़ा आता है गांव में, यही सब तो मस्ती है, एकदम बल्ब जैसा ना आम पूरा फड़ा हुआ है इस पेड़ पे। और बहुत है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए किस तरह से आम पूरा फड़ा हुआ है। और बहुत ही खूबसूरत बगीचा है मेरा, ये देखिए पूरा आम का बागवानी है, कम से कम 20-25 पेड़ होंगे आम के। तो बगीचे से आने के बाद पहुँच चुका हूँ अभी डॉक्टर के पास, और वो सडनली इसलिए आना पड़ा क्योंकि दादी की पूरी तबीयत खराब है। सभी को जैसे कि पता है कि दादी मेरे पैरालाइज है, तो अभी मैं आया हूँ उसका रिपोर्ट लेके, मेडिसिन लेने के लिए, बहुत गरीब है गाइस। ये देखिए 2 बोरा आम, केवल मैंने 2 बोरा आम लेकर आया हूँ खेत से, और चलते हैं ऊपर। तो दोस्तों पता है मैं गया था खेत में, सर खेत में से आम लाया, और ये देखिए कितना खुश है आम देख के। और मैं भी गया आज, कैसे कैसे आज मतलब लक सही था क्योंकि 2-3 साल से तो मतलब पापा जी भी बोल रहे थे कि ये बहुत दिन बाद ये आम आया। हाँ बहुत दिनों बाद पेड़ पे, मतलब एक्चुअली बटवे दे देते थे तो मतलब पेड़ हर साल बेच दिया जाता था, तो वो पेड़ वाला लेकर चला जाता था हम लोग। यार मस्त आम हुआ। और अभी तो गाइस और भी बहुत सारे जो आम है ना वो होने वाली है, तो सिर्फ कृष्ण भोग है, और जो मालदे है, सुकुल आम है, ये सब आम अभी और होने वाला है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और 2-3 बोरे आम लेकर आया हूँ गाइस आज घर पे, बस मस्त खाना है। बाकी रामलाल देख रहा होगा वीडियो तो कह रहा होगा यार मेरे को भी चाहिए, बट कोई नहीं, तुम्हारे लिए भी मैं आम तुड़वा के रख रहा हूँ, तुमको भी दूंगा मैं 1 बोरा आम, तुम्हारे लिए भेजूंगा, मैं घबराऊंगा। और गर्मी इतना ज़्यादा है कुछ बताने को। तो एनीवे गाइस ये ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, और मिलते हैं आप उससे अगले फ्रेश ब्लॉग के साथ, करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड, ऐसी प्यार सपोर्ट करते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।